फ्रेंड्स, मैं हूँ सारिका त्यागी। दोस्तों, आज मैं सोया चाप विद ग्रेवी बनाने वाली हूँ। उससे पहले अगर आपने लाइक और सब्सक्राइब कर नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपके पास पहुँच सके। और वीडियो को पूरा देखना फ्रेंड्स, और कमेंट में मुझे ज़रूर बताना कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगती है। आइए शुरू करते हैं सोया चाप स्टिक विद ग्रेवी। ये सोया चाप ली है मैंने बाज़ार से इनको ले लिया है। आप इसको कहीं पर भी बाज़ार से ले सकते हैं, ये आसानी से मिल जाती है। और इसको मैं ऑयल में डाल के इस तरह से भून लूँगी, और इनको बीच बीच में हमें पलटते रहना है, ताकि ये चिपके ना और लगे ना। ये जल जाएगी तो इनका टेस्ट ख़राब हो जाएगा। इसी तरह से बीच बीच में इनको चलाते रहना है और अच्छे से भून लेना है, ताकि ये खाने में और अच्छी क्रंची और टेस्टी लगे। तब तक मैं टमाटर तैयार करती हूँ। ये मैंने टमाटर काट लिए हैं, और लहसुन और अदरक का हम पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे। ये मैंने पेस्ट भी बना लिया है। अब ये मैंने एक कढ़ाई ली है, इसमें जीरा डालेंगे, लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे और इसको चलाते रहेंगे। ये रेड चिली डालेंगे, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, रेड चिली थोड़ा और डालूंगी और इसको भूनेंगे। ये गरम मसाला, थोड़ा सा ये ग्रेवी डाल देंगे इसके अंदर और इसको चला देंगे। अब इसमें मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूंगी। ये नमक डालेंगे स्वाद अनुसार, गरम मसाला थोड़ा और डालेंगे, कस्तूरी मेथी डाल देंगे। ये दोस्तों मैंने मलाई ली है जो दूध के ऊपर आती है, और इसको अच्छे से फेंट कर इसके अंदर डाल दूंगी, ताकि टमाटर का खट्टापन निकल जाए और टेस्ट बढ़कर आए। अब ये हम ग्रेवी में जो मैंने चाप बनाई थी, इनको भी मैं इसके अंदर डाल दूंगी। ये इस तरह से हम इसके अंदर डालकर 2 मिनट के लिए पका लेंगे, ताकि ये अच्छे से इसमें गल जाए और ग्रेवी इसके अंदर चली जाए। ये देखिए, हमारी सोया चाप बनकर तैयार है। अब मैं इनको एक प्लेट में निकाल कर सर्व करूँगी, और ऊपर से हरा धनिया डाल देंगे।